हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। माय नेम इज चंद्रकांत पाटिल और मैं आज आपको मेरे कुछ पुराने और नए कुछ स्केचेस है, वाटर कलर पेंटिंग्स है, कैनवास पेंटिंग्स है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। लेट्स सी। ओके लेट्स सी। ये मैंने स्वामी विवेकानंद की एक स्केच बनाई थी, उसके बाद सचिन तेंदुलकर जी की है। एक मैंने कैमलिन की पेंसिल मैंने इस पर यूज़ की है और जो अपने पास नॉर्मल रहती है वो भी यूज़ की है, अक्षय कुमार की है। उसके बाद ऋतिक रोशन की बनाई हुई है, उसके बाद रणवीर सिंह की है। रणवीर सिंह की मैंने दो बनाई है और एक ए भी है। उसके बाद शाहरुख खान की है, उसके बाद MS धोनी की भी है। ये पूरी पेंसिल में से बनाई है मैंने। उसके बाद माधुरी दीक्षित ये थे। उसके बाद कुछ फैमिली रिलेटेड में भी बनाई है मैंने, एक बनाई थी। यहाँ पे मैंने चारकोल का यूज़ किया था, आपने देखे होंगे जहाँ पे डार्क शेड है वहाँ पे मैंने चारकोल का यूज़ किया है और बाकी की जगह पे मैंने पूरा मतलब ऐसे पेंसिल जो नॉर्मल पेंसिल रहती है उसी से मैंने वर्क किया है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, मैंने बालों के लिए चारकोल का यूज़ किया है। ओह ये देखिए, ये पूरा पेंसिल से है, इसमें कोई चारकोल वगैरह यूज़ मैंने किया है। उसके बाद ओके, तो ये मेरे कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स है। इसमें सिर्फ ओनली वाटर कलर है, दूसरे कोई एक्रेलिक कलर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किए हैं। इसके बाद ये भी है, एक थोड़ा एक आर्किटेक्चर इंटेंशन से बनाया था, इसका शेडो भी यहाँ पे गिरा है तो ये एक बहुत अच्छी बनी है। उसके बाद ये नेचर वाली है, तो उसके बाद ये भी एक आर्किटेक्चर इंटेंशन से बनाई थी मैंने। यहाँ पे मैंने बहुत इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त दिया था निकलने के लिए, ड्रा करने के लिए। उसके बाद ये भी नेचर की है। उसके बाद ये कृष्णा की बनाई है मैंने, ये भी एक बहुत अच्छी तरह से आई है सबसे। उसके बाद ये एक मैंने गणपति की बनाई है और उसके बाद ये एक वाटर की है, इसमें शैडो जो पानी में गिरते हैं तो उसका मैंने एक निकाला था। कुछ मेरे वाटर कलर्स पेंटिंग्स है, इनको मैंने फ्रेम करके लिया था ताकि मुझे पता चले कि किस तरह से फ्रेम करने के बाद ये पेंटिंग्स दिखते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स को मैंने फ्रेम करके लिया था। तो ये एक है मेरे पास। इसके बाद गैस मैंने एक ये मंदिर वाली निकाली, इसमें थोड़े से डार्क मैंने कलर्स यूज़ किया था, उस पर थोड़ा सा लाइट आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसमें मैंने डार्क कलर्स का यूज़ किया है, इसको भी मैंने फ्रेम करके लिया। उसके बाद ये हॉर्स की एक पेंटिंग है, इसमें भी मैंने डार्क वाटर कलर यूज़ किए हैं। एक्रेलिक कलर मैंने इसमें इसमें यूज़ नहीं किए, मैं दिखा देता हूँ कि आगे पेंटिंग्स में जिससे मैं किसी किसी पेंटिंग में मैंने एक्रेलिक कलर का भी यूज़ किया है। तो एक मेरी ये पेंटिंग है, इसमें मैंने ये मैंने एक आर्किटेक्चर इंटेंशन से बनाई है, एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी की पेंटिंग है। तो इसको भी मैंने थोड़ा कलर डार्क शेड में नीचे की तरफ से बनाया था, तो एक पेंटिंग मैंने फ्रेम करके ली। गणपति की वाटर कलर पेंटिंग बनाई है, इसमें भी मैंने थोड़ा डार्क शेड डार्क कलर यूज़ किए हैं इस पेंटिंग में, इसको भी मैंने फ्रेम करके लिया था। उसके पास मेरे पास मैंने आपको बोला था कि मैंने पेंटिंग में एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, तो देखिए इसमें भी मैंने एक यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े एक्रेलिक कलर यूज़ किए। एक्रेलिक कलर का ये यूज़ करने का इंटेंशन था कि थोड़ा सा कलर डार्क होते हैं और थोड़ा शाइनी होते हैं, इसके कारण मैंने इसके यूज़ किए हैं। और एक मैंने फ्लावर पॉट का बनाया है, ये भी एक फ्लावर पॉट का है, तो
इसमें भी थोड़ा सा डार्क और लाइट शेड से मैंने काम वर्क किया है। तो एक और ये पेंट है, इसमें भी मैंने डार्क का यूज़ किया है, डार्क कलर का यूज़ किया है। ये कुछ कैनवास पेंटिंग है जो कि मैंने किला में बनाए थे। तो इस तरह से मैंने कुछ कैनवास पेंटिंग भी बनाई है। इस तरह से पैड रहता है, कैनवास पैड बाजार में आपको मिल जाएगा मार्केट में। तो ये इसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक गणपति का बनाया है। इसके बाद ये भी एक है, ये भी गणपति का ही है। तो इसमें भी मैंने पूरे कैनवास पैड यूज़ किया है और एक्रेलिक कलर भी यूज़ किया है। उसके बाद एक अलग अलग टाइप में मैंने गणपति के जो रूप होते हैं उसके हिसाब से मैंने बनाए हैं। उसके बाद एक फ्रेम किया हुआ गणपति का ही है। कैनवास पैड को किस तरह से फ्रेम करने के बाद पेंटिंग दिखती है, इसके लिए मैंने इसके एक फ्रेम को मैंने पेंटिंग को मैंने फ्रेम करके लिया था। तो और एक मेरे पास एक्रेलिक पेंटिंग है, ये थोड़े से आपने जो देखे वो थोड़ा अलग पैड भी मैंने यूज़ किया था, और ये जो है एक अलग पैड पे यूज़ किया है। इस पैड पे कैसे किस तरह से एक्सपीरियंस रहता है, इसके लिए मैंने एक पेंटिंग बनाई है। ओके गाइस, तो मैंने आपको मैंने कुछ वाटर कलर पेंटिंग्स, स्केचेस, कुछ कैनवास पेंटिंग आपके साथ मैंने शेयर किए। मैंने आपको दिखाया किस तरह से वो फ्रेम करने के बाद दिखते हैं, और आपको उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी मैंने दे दी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा एक कमेंट्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।